नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ लंदन फाइल्स का रिव्यू। ये वेब सीरीज है और इसका पहला सीजन वुड से स्ट्रीम हुआ है। अर्जुन रामपाल, पूरब कोहली, सपना पब्बी, गोपाल दत्त और आदिल जुबैर जैसे कलाकारों से सजी इस सीरीज को लिखा है प्रतीक पयोधी ने और डायरेक्ट किया है सचिन पाठक ने। तो करेंगे सीरीज के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे। सिनेमा घर खुलने के साथ ही ओटीटी के सामने फिर से चुनौती दर्शकों को फोन और स्मार्ट टीवी पर रोक कर रखने की है। दर्शक मनोरंजन के लिए बड़े पर्दे की तरफ भाग रहे हैं और ओटीटी पर अब भी अपराध कथाओं के जाने माने तेवर बार बार दोहराए जा रहे हैं। Z5 पर वेब सीरीज रंगबाज से पहचान बनाने वाले निर्देशक सचिन पाठक का नाम वेब सीरीज लंदन फाइल्स के साथ जुड़ा देखने के बाद उत्सुकता इस बात की रही कि क्या अपराध की दुनिया का कोई नया रूप दर्शकों के सामने पेश करने में कामयाब होंगे। अर्जुन रामपाल की सीरीज में मौजूदगी से ये आस भी बंधती है। सीरीज में 6 एपिसोड लगभग 35 से 40 मिनट के हैं। ओम सिंह यानी कि अर्जुन रामपाल, जो लंदन में एक वरिष्ठ पुलिस जासूस है, उनको एक हाई प्रोफाइल लापता लड़की माया की जांच करने के लिए सौंपा गया है। ओम की प्रारंभिक जांच जल्द ही एक हत्या के मामले की ओर इशारा करती है, जिससे उनके अपने पिता और मीडिया टाइकून अमर रॉय यानी पूरब कोहली द्वारा अभिनीत को फंसाया जाता है। हालांकि आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है। पूरी कहानी ब्रिटेन की संसद में एंटी इमिग्रेशन बिल पेश किए जाने के बाद लंदन शहर में विरोध और अराजकता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मीडिया टाइकून और लापता लड़की यानी मेधा राणा के पिता आवर्जन विरोधी विधेयक के समर्थक हैं। इससे उन्हें और उनके परिवार को खतरा है। अमर रॉय और माया के बीच एक कड़वा मीठा पिता पुत्री का रिश्ता है, लेकिन उनके बीच एक विवादास्पद बिल पर एक तर्क पूर्व को पुलिस के दायरे में ला देता है। बाद में एक शव बरामद किया गया और एक संपूर्ण डीएनए मैच ने पुलिस को हत्या के संदिग्ध के रूप में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। अमर की गिरफ्तारी ने पूरी तरह से मेज बदल दी और ओम सिंह को पता चला कि माया के लापता मामले और उसके अतीत का संबंध है। क्या सच में माया मर चुकी है? क्या वो मामले को सुलझा पाएंगे? इन सबका उत्तर 6 एपिसोड में दिया गया है। कहानी तेज तर्रार है, शायद यही कारण है कि कुछ हिस्से अच्छी तरह से स्थापित नहीं होते हैं। हालांकि ट्विस्ट एंड टर्न्स ने मुझे कहानी से बांधे रखा, लेकिन मुझे इतना झटका नहीं दिया और ना ही मुझे रोक पाया। अमर रॉय को यौन उत्पीड़न के आरोपों में झूठा फंसाया जा रहा था और अपनी ही बेटी की हत्या कर दी गई थी, जिसे उसकी बेवफाई के बारे में पता चला था। मुझे दृश्य कम आश्वस्त करने वाला लगा और इसे और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था। तमाम दूसरे अपराध सीरीज की तरह ही अर्जुन रामपाल की लंदन फाइल्स में भी कोशिश आखिर तक इस बात का सस्पेंस बनाए रखने की है कि अपराधी कौन है। तनाव बनाए रखने की कोशिश है। लंदन की पृष्ठभूमि का अपना एक अलग रहस्यमयी आकर्षण है, लेकिन तीसरे एपिसोड तक आते जाते रास्ते घुमावदार होने लगते हैं और समझ में आने लगता है कि एक मजबूत प्लॉट पर कहानी तो अपराध की खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसकी लेखन टीम और निर्देशन टीम के बीच में तारतम्य गड़बड़ आ गया है। क्राइम थ्रिलर सीरीज में जब दर्शकों को ये लगने लगी है कि आगे क्या होने वाला है, तो सीरीज देखने का मजा ही कुछ और होता है। अर्जुन रामपाल, जो वरिष्ठ जासूस ओम सिंह की भूमिका निभाते हैं, आंतरिक राक्षसों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं और काम पर खुद को और अपने कौशल को साबित करने का प्रयास करते हैं। परेशान पुलिस वाले के रूप में उनका प्रदर्शन केवल कुछ हिस्सों में ही सराहनीय था। जिन लम्हों में उनकी आंखों से आंसू निकलने की जरूरत थी, वो लड़खड़ा जाते हैं। सपना पब्बी, जिन्होंने ओम सिंह की पत्नी की भूमिका निभाई थी, पूरी श्रृंखला में काफ़ी हद तक गायब थी। गोपाल दत्त एक अद्भुत अभिनेता है और अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने एक गहन भूमिका के साथ छवि को तोड़ने की कोशिश की, निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए आप उन्हें याद करेंगे। विकेट है तो सीरीज को देखा जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।